पीरियड खत्म होने के दो दिन बाद अगर रिलेशन बन जाता है तो क्या ऐसे में प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं या नहीं? तो बिल्कुल नहीं है इसमें कोई चांस है, बिकॉज पीरियड खत्म होने के बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो आइए इसको बोर्ड पर समझ लेते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है वो पीरियड का पहला दिन होता है। अब किसी को पीरियड खत्म हुआ 4 दिन के बाद और उसके खत्म होने के 2 दिन बाद आप मिले, आपका ये क्वेश्चन है, पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद में मिला तो क्या प्रेगनेंसी होगी? तो अगर आप ये ध्यान रखिए, एक लाइन यहाँ बना लीजिए, अगर किसी का 28 दिन का एक चक्र है तो उसमें 9th डे पे आप उसको लाइन खींच लेंगे। अब मान लीजिए किसी का पीरियड 4 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया एंड आप 2 दिन बाद मिले यानी 7वें दिन मिले, तो प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं है। अब मान लीजिए किसी का 5 दिन पीरियड चला यानी 8वें दिन आप मिले, तो भी प्रेगनेंसी की कोई चांसेस नहीं है। अब मान लीजिए किसी का 6 दिन पीरियड चला और उसके बाद 2 दिन के बाद आप 9वें दिन पे मिले, तो भी प्रेगनेंसी की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर मिलने पर फिर आपको सोचना है, क्योंकि उसकी जानकारी ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियोज़ में दी है जिसका अभी आगे मैं लिंक और डिटेल पूरी बता दूंगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो पीरियड का जो फर्स्ट डे है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। डेट कोई सी भी हो, डेट को भी आप आगे ले सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे पर जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी पीरियड का पहला दिन है उसके अकॉर्डिंग जो आगे 9वां दिन आने वाला है वहाँ पर आप लाइन खींच लेंगे बनाकर इसको ऐसे, या फिर सोच लेंगे दिमाग में कि जो 9वां दिन आगे आने वाला है वहाँ तक मैं मिल सकता हूँ। अब उस दिनों में अगर पीरियड 3 दिन का है या 4 दिन का है या 5 दिन का है, जितने भी दिन का है, उसके ठीक अगर नेक्स्ट डे आप मिलते हैं या 2 दिन बाद मिलते हैं या 3 दिन बाद मिलते हैं, तो वो आपके लगभग 9वें दिन तक सेफ है। अगर किसी के हर महीने टाइम पर पीरियड आते हैं, 1-2 दिन का अगर अप डाउन रहता है, तो ऐसे में इन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर उसमें आपको ये डाउट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो पीरियड आने वाला था वो लेट हो गया है, ऐसा तो नहीं कि उसमें प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सिंपल तरीका ये है कि जो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आपका हुआ है उससे 21 दिन के बाद आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर वो निगेटिव आता है तो उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद उस टेस्ट को फिर रिपीट करें, और उसके बाद भी अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर इसमें कोई प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। और नेक्स्ट पीरियड अगर आपका नहीं आया तो उसको थोड़े दिन वेट करिए, वो अपने आप लेट होकर आ जाएगा। अगर उसके बाद भी वो पीरियड स्टार्ट नहीं होता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन दूसरी भी हो सकती हैं, माहौल चेंज होने से या फिजिकल कुछ और चेंजेस होने से भी कभी कभी पीरियड नॉर्मली लेट हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कभी भी पीरियड लेट हो जाता है तो उसके लिए दवा की ही ज़रूरत है। अगर इसके बारे में आपको पूरी और जानकारी चाहिए कि पीरियड अगर नहीं आ रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमने ऑलरेडी इस वीडियो में दे रखी है, इससे आप देखकर उसको समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि किन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है, किन दिनों में मिलने से नहीं होती, तो उसकी ऑलरेडी जानकारी हमने सेफ और अनसेफ डे के वीडियोस में दे रखी है, जिसकी पूरी जानकारी इन वीडियोस में आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपको IPL की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं, सही समय पर टैबलेट ना देकर और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए सही समय पर IPL का क्या यूज है, कब देनी चाहिए, कैसे ये लेनी चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी हमने वीडियोस में दे रखी है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बहुत जरूरी अगर बात करना है तो फिर आप मुझे कॉल मी 4 पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।